जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, पतंग उड़ाई तो बहुत होगी और चकड़ी पकड़ी भी होगी कई बार हाथ में, लेकिन आज हम बनाएंगे खाने वाली काइट और उसकी चकड़ी और डोरी, वो भी खाने वाली। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 2 चुटकी अजवाइन। भाई, मकर संक्रांति और हमारा स्पेशल तिल ना यूज हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 2 चुटकी तिल, 1 चुटकी जीरा और नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ 2 चुटकी नमक लिया है। इन सबको आटे की लोई में मिक्स कर लिया। जो आप नॉर्मल रोटी या पराठे के लिए आटा मलते हैं, उसमें से एक लोई तोड़ी और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस पराठे में मिक्स कर दिया। अब इसको हम थोड़ा लंबानवास बेल रहे हैं और इसको हम चौकोर परत लेंगे। आप देखते रहिए, इस वक्त इसकी गोलाई पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए क्योंकि अब अंदर से मुड़ने वाला है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया थोड़ा सा ऑयल और अब इसकी इस तरफ से 2 तरफ से फोल्ड्स करें और फिर उसके अपोजिट एंड्स पे 2 फोल्ड्स और करें। तो ये बन गया हमारा चौकोर पराठा। अब इसमें थोड़ा सा पलेथन लगा लिया और इसे चौकोर शेप का बेल लेंगे। आप कोशिश करिएगा कि ये शेप चौकोर ही मेंटेन रहे। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसे काइट का शेप वैसे भी देने ही वाले हैं, तो ये कटिंग करके हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थिकनेस आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत मोटा ना बहुत पतला रखा है। अब बारी आती है इसे काटने की। तो मैंने इसका जो कॉर्नर्स थे वो अपनी तरफ फेस करके रख दिया है और उंगली की नाप से 1 कोर का डिस्टेंस छोड़ के इसे नीचे से इस तरह से कट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे शार्प कटिंग कर ली है। साइड का हिस्सा निकलने वाला है तो उसको हमने हटा दिया है और इसे नीचे से एक हॉरिजॉन्टल कट दे लेंगे। आप चक्कू की मदद से कर सकते हैं या अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो उससे भी आप इसे कर सकते हैं। अब काइट का शेप देने के लिए एक स्लैंट लाइन कट एंड अपोजिट तरफ भी एक स्लैंट लाइन कट, ताकि उसके दोनों कॉर्नर्स एक सीध में आ जाए। अब इसको भी थोड़ा सा बस शेप अप कर दे रहे। वैसे तो काइट का शेप आप ऑलरेडी आ ही चुका है, थोड़ा सा इसे शेप अप करके शार्प कर दे रहे हैं। अब दोस्तों, इसको काइट का लुक देने के लिए जरा डिजाइनिंग करते हैं। मैंने यहाँ चक्कू की मदद से किया, आप चाहे तो किसी स्पून की मदद से कर सकते हैं। ये बहुत लाइट हैंडेड कर रहे हैं क्योंकि इस पराठे को कट नहीं देना है, सिर्फ एक निशान देना है, जैसे उसमें वो स्टिक्स लगी रहती है कुछ उस टाइप का। चाहे तो इसके ऊपर एक आटे की पतली लेयर से भी स्टिक बना सकते हैं, बट वो टिकेगी नहीं, सेकते सेकते निकल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक निशान दे दिया, आप देख सकते हैं। फोकस में तवा गरम करके थोड़ा सा तेल इसमें पहले डालेंगे तवे पे, क्योंकि अगर ये चिपक गया तो पूरा शेप खराब हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारी टिप है कि जब आप इसको उठाएं ये चकले से या अपने प्लेटफॉर्म से, तो कलछी की मदद से धीरे से उठाएं। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसे हम खींचे ना, वरना इसका शेप खराब हो जाएगा। बस इस तरह से हमने इसे तवे पे सेकने के लिए रख दिया है। एक तरफ से आप देखें ये सिक चुका है, तो अब हम इसे पलटेंगे। पलटते टाइम हमें एक खास चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। थोड़ा सा तेल साइड में डाला ताकि कोई भी कॉर्नर अगर चिपका हुआ हो तो पराठे का शेप ना खराब हो। और जब हम कलछी डालेंगे तो हम अपनी कलछी उसकी तेल की तरफ से डालेंगे, क्योंकि वही हिस्सा थोड़ा नाजुक हिस्सा होता है जो सेकते वक्त टूट सकता है। ठीक है, आप इसे दबा के अच्छी तरह दोनों तरफ तेल लगा के गोल्डन ब्राउन सेक लें। अगेन पलटते टाइम मैंने तेल की तरफ से ही कलछी घुसाई है, इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। हमारा पराठा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और देखिए, आपने जो हमने ये निशान दिए थे ये यहाँ पे दिख रहे हैं सिकने के बाद भी, तो इसे काफ़ी अच्छा लुक दे रहे हैं। चलिए अब ये चकरी कैसे बनानी है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक मूली, सिलेंड्रिकल मूली मोटी वाली, जिसको लगभग 3 इंच का टुकड़ा ले लिया है। 2 टूथपिक, लंबे वाले बैंगन का यूज़ किया है, मेरे पास वही थे। आप चाहे तो बड़े बैंगन का यूज़ भी कर सकते हैं। बैंगन एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसकी डंडी, तो इस तरह से उसकी डंडी हमने यूज़ कर ली। मूली को मैंने पहले ही पील कर लिया था, उसी तरह गाजर को भी पील करके रख लिया है। उल्टी साइड से घुसाना है, लेकिन वो घुसता नहीं है, तो पहले एक पतली वाली साइड से छेद किया और इस तरह से उसने उल्टी तरफ से घुसा दिया। ठीक इसी तरह देखिए, छेद किया और उल्टी तरफ से घुसा दिया। दोनों टूथपिक घुसाने के बाद ये हमने उसका डंठल लगा दिया।
आ गया ना हमारा चक्री का शेप, मजेदार चलिए घुमाए पतंग उड़ाए। नहीं अभी डोरी नहीं है, तो डोरी भी तो बनानी ना हमें। तो डोरी बनाने के लिए हम गाजर को लंबी तरफ से ग्रेट करेंगे। सॉरी मेरा कैमरा और हाथ थोड़ा सा उसे फोकस में नहीं आने दे रहे, बट आप ध्यान से देखिए लंबी तरफ से मैं ग्रेट कर रही हूँ इसे। छोटे छोटे रेशे नहीं चाहिए हमें, बहुत लंबे लंबे डोरी जैसे रेशे चाहिए। यहाँ पे नूडल का इस्तेमाल भी किया जा सकता था, बट नूडल से इस रेसिपी को खाने में मज़ा नहीं, क्योंकि पराठे और नूडल का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मैंने इसलिए ऐसी चीज़ ली है जो पराठे के साथ कॉम्बिनेशन में भी जाए और मूली के साथ कॉम्बिनेशन में भी जाए। तो गाजर की डोरियाँ इस तरह से इस पर लपेट दी हैं, लंबे देखा आपने, देखा होगा लंबा धागा है मेरा। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके आप डोरियाँ लपेटते जाइए, छोटी बड़ी डोरियाँ हों कोई टेंशन नहीं है, अल्टीमेटली वो एक धागे का लुक आना चाहिए। तो ये धागे का लुक आ चुका है हमारा और हमारी चकली भी बन के रेडी हो गई है। अब बारी आती है मेरे प्लेटर को सजाने की। मैंने इसे चाट मसाले और मिर्ची पाउडर से गार्निश किया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, यस, अ पिंच ऑफ लव। उसकी गार्निशिंग के बिना तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा जनाब। इस पराठे को इस तरह से सिंपल चाट मसाले के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है, आप चाहे तो अचार के साथ खा सकते हैं, सैलेड ऑब्वियसली हम पराठे के साथ खाने वाले हैं, आप चाहे तो इसे मेन कोर्स में दही रायता अपनी पसंद की सब्जी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और हमारी साइड डिश सैलेड चकरी तो है ही साथ में। आपको हमारा ये रेसिपी यूनिक और अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी न्यू रेसिपीज मैं आपके सामने ला सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर शेयरिंग ऑल योर लव। सी यू, बाय बाय इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।